हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं में 9वां चैप्टर सतह रसायन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, इसके बारे में हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है सतह, और उसके बाद शब्द है रसायन। तो अन्य प्रकार के जो हम रसायन के अन्य जो चैप्टर हम अध्ययन किए हैं, उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम सतह रसायन के बारे में सर्वप्रथम हम परिभाषा देखेंगे कि सतह रसायन किसे कहते हैं। तो सतह रसायन क्या है? यह एक रसायन की शाखा है, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठ के गुण और उनके पृष्ठ पर होने वाले इसी ठोस के है ठोसों के पृष्ठ पर होने वाली भौतिक एवं रासायनिक सामान्यतः जो प्रक्रियाएं होती हैं होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम या प्रक्रिया, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो एक बार पुनः समझ लें, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठों के गुण एवं ठोसों के पृष्ठ पर होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन के इस शाखा को हम सतह रसायन कहते हैं। अब आगे इसमें जो सतह है, इस शब्द को हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो सतह इसको और अंग्रेजी में हम सॉरी हिंदी में हम पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो सतह और पृष्ठ एक ही शब्द है, इसको अंग्रेजी में हम केवल सरफेस कहते हैं। तो इसके पहले हम एक शब्द देखेंगे इंटरफेस। ये तो यहाँ पर सरफेस है, अंग्रेजी में यहाँ पर SURFACE लिखते हैं, इसी से एक शब्द मिलता जुलता शब्द है इंटरफेस, जिसे हिंदी में हम अंतरा पृष्ठ कहते हैं। उस पर आइए हम एक बार प्रकाश डालें, उसके पश्चात हम सतह जो शब्द है इस पर हम और उसको अध्ययन करेंगे। तो शब्द है इसमें अंतरा पृष्ठ, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम इंटरफेस, इंटरफेस। ऐसे सामान्य शब्द में देखिए इंटर का सीधा सीधा मतलब होता है बीच में जो गैप होता है, कोई भी घटना होता है हम बीच में जब गैप कर देते हैं तो सामान्य शब्द में क्या कहते हैं, इंटर करना कहते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से शब्द है अंतर और पृष्ठ, दो पृष्ठ जहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं, दो पृष्ठ जहां पर अलग अलग हो रहे हैं, या उनको पृथक करने वाली जो परिसीमा होती है, ये सरल शब्दों में कहें इसमें दो पृष्ठों के परिसीमा, जिसे सामान्य शब्द में हम बाउंड्री कहते हैं। तो दो, इसको और सरल शब्द में कहें तो दो प्रावस्थाएं हैं और एक परिसीमा के द्वारा एक दूसरे को पृथक करते हैं। तो जहां पर पृथक होते हैं हम उसे अंतरा पृष्ठ कहते हैं,
और इसी के आधार पर यहाँ पर ये जो शब्द है सरफेस शब्द अर्थात पृष्ठ शब्द आया हुआ है। तो अब यहाँ पर समझने, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर समझने का प्रयास करें, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रावस्था है। प्रावस्था का सीधा मतलब होता है भौतिक अवस्था, जिसमें दो पदार्थ जो है आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए हमको स्पष्ट दिखाई देंगे, दो अलग अलग परत बनेगा, सीधी सी बात है। जैसे सामान्य शब्द में कहें तेल और पानी जो माल अमिश्रणीय होते हैं। मैं समझाने किस प्रकार से एक चित्र का यहाँ पर सहारा ले रहा हूँ। ये मान लीजिए उदाहरण के लिए ऊपर में तेल है और इस प्रकार से नीचे में जल है, तो जहाँ पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर ये अलग अलग हो रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फेज कहते हैं, PHAC। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दो पृष्ठ हैं आपस में जहाँ से वो अलग हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लीजिए एक, ठीक इसी प्रकार से एक और मैं यहाँ पर पृष्ठ ले रहा हूँ। अब यहाँ पर दोनों को टच करेंगे, तो जब टच करेंगे तो जिस भाग से वह अलग रहेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतरापृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए ये भाग क्या कहलाएगा, यहाँ बीच में जो दोनों पृष्ठों को या दो प्रावस्थाओं को एक दूसरे से अलग कर रहा है उसी भाग को हम क्या कहते हैं, अंतरापृष्ठ। अब यहाँ पर संक्षिप्त में समझ लें, और पृष्ठ को हम किसे कहेंगे, तो पृष्ठ का सीधा मतलब ठोस के दृष्टि से देखें तो सबसे जो बाहरी परत होते हैं, सबसे ऊपर का परत सतह, उसी को हम सतह कहते हैं, या सामान्य शब्द में कहेंगे इसमें तो कोई भी ठोस है उसके सबसे ऊपर वाला जो सतह है या उसमें ऊपर में स्थित जो परमाणु पाए जाते हैं वहां से इसका संबंध है, इसमें अंदर वाले परत से कोई संबंध नहीं है। इसमें जहां पर हम उसको बाहर से देख रहे हैं, जहां से वह एक पृथक रूप से एक अलग से दूसरे पृष्ठ से अलग होता है उसे ही हम यहाँ पर सरफेस के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी सतह पर होने वाली कुछ घटनाओं का अध्ययन यहाँ पर हम रसायन के इस शाखा में अर्थात सतह रसायन वाले भाग में करेंगे। इसमें सतह रसायन के अंतर्गत यहाँ पर मुख्य रूप से तीन बिंदुओं के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन किया गया है, जिसमें से एक है इसमें अधिशोषण, दूसरा यहाँ पर एक घटना है इसमें मुख्यतः उत्प्रेरण, और तीसरी एक जो सामान्य घटनाएं होती हैं या पदार्थ के गुण होते हैं इसमें एक है कोलाइड। इन तीनों के बारे में विस्तार से यहाँ पर सतह रसायन में इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सतह रसायन काफी व्यापक है और व्यापकता के आधार पर मुख्य रूप से तीन बिंदु हैं, अधिशोषण, उत्प्रेरण एवं कोलाइड। इनके अध्ययन हम रसायन के सतह रसायन एक जो शाखा है इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम देखें इसमें अधिशोषण की घटना पर हम प्रकाश डालेंगे। अधिशोषण, अंग्रेजी में इसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। तो क्या है यह अधिशोषण, एक पृष्ठीय घटना है। यदि एक शब्द में कहें यह, तो यह एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना का सीधा आशय है पृष्ठ में होने वाली घटना, और पृष्ठ में होने वाली जो घटना होती है इसके अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से यह घटना घटित होती है। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करें। एक मान लीजिए यहाँ पर ठोस है, जैसे यहाँ पर समझने के लिए मान लीजिए कुछ उदाहरण के तौर पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे चारकोल ले आते हैं इसमें, यह एक सक्रिय चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल सक्रिय किया गया इसको, और यहाँ पर कुछ गैस हैं तो
चारकोल क्या हो गया, यहाँ पर ये ठोस है, ठोस अवस्था में होते हैं, और यहाँ पर कुछ गैस है, जैसे उदाहरण के लिए अमोनिया गैस NH3 गैस, इसको इसके संपर्क में लाया गया। तो इस प्रकार से इस चारकोल के संपर्क में जैसे ही आया तो सबसे उसके जो पृष्ठ भाग है, या यहाँ पर समझ लीजिए ये हम जितना उसके बाउंड्री बना रहे हैं ऊपर भाग, ये सभी क्या कहलाएंगे, पृष्ठ कहलाएंगे। तो इसके सबसे ऊपरी भाग पर अर्थात पृष्ठ भाग पर या सतह वाले भाग पर यह अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अस्थायी रूप से जुड़ना, या अमोनिया गैस सक्रिय चारकोल के संपर्क में आया और सक्रिय चारकोल के चारों ओर पृष्ठ भाग पर यह अस्थायी रूप से जुड़ गया। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर इसको समझें तो क्या है, यदि एक लाइन में हम अधिशोषण की परिभाषा कहें तो एक पृष्ठ पर होने वाली घटना है जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से आ करके अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ये चित्र के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अन्य प्रकार के और भी उदाहरण हैं, इसमें कुछ उदाहरणों को यहाँ पर ये कॉल लेते हैं अपन। दूसरा उदाहरण जैसे सिलिका जेल, ये दूसरा उदाहरण है इसमें सिलिका जेल। इसको हम यदि जल वाष्प के संपर्क में लाते हैं या जल वाष्प को सिलिका जेल के संपर्क में लाते हैं, ये जल वाष्प है। चित्र के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं कि पूरे अंदर भाग तक नहीं पहुंच रहा है, जहां पर ऊपरी सतह है, अभी समझने के लिए हम ऊपरी सतह समझ लें, वहीं तक ही यह सीमित है अर्थात अस्थायी रूप से जुड़ रहे हैं जल वाष्प। तो दो घटना यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर इसको लिया जा रहा है इसमें। तो सिलिका जेल के ऊपर में अर्थात सतह भाग पर जल वाष्प पा करके अस्थायी रूप से जुड़ जा रहे हैं। तो यह घटना कौन सी घटना है, ये भी अधिशोषण है। इसको हम सामान्य शब्द में कह रहे हैं एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्थायी रूप से जुड़ना, यह है अधिशोषण। आइए हम इस अधिशोषण में की घटना में कुछ शब्दावली हैं, इन शब्दावली पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण इसी में हम ले रहे हैं, इसमें अभी ये जो टोटल घटना हो रहा है यहाँ पर कि सिलिका जेल पर जल वाष्प का अस्थायी रूप से जुड़ जाना अधिशोषण तो है, लेकिन यहाँ पर जो सिलिका जेल है इसे हम अधिशोषक कहते हैं, अधिशोषक, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द हैं एडजॉर्बेंट, ASORBENT एडजॉर्बेंट। और एक है यहाँ पर इस उदाहरण में जो जल वाष्प है जो आकर के अस्थायी रूप से जुड़ गया है इसे हम अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोष्य। अंग्रेजी में इसे हम एडजॉर्बेट कहते हैं या एडजॉर्बेबल भी कहते हैं। तो ये दो शब्द मुख्यतः इस अधिशोषण के टॉपिक में आएंगे, अधिशोष्य और एक है अधिशोषक। तो अधिशोषक किसे कहेंगे, जिस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ आकर के अस्थायी रूप से जुड़ते हैं इसे हम अधिशोषक कहते हैं। और अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक की सतह, अधिशोषक अर्थात अभी एक उदाहरण के लिए सिलिका जेल है, तो इस सिलिका जेल अर्थात अधिशोषक पर अस्थायी रूप से जुड़ने वाले यहाँ पर जो पदार्थ हैं जिसे हम सरल शब्दों में कहेंगे तो अधिशोषक की सतह पर अस्थायी रूप से जुड़ने वाले पदार्थ को हम अधिशोष्य कहते हैं। ये दो शब्दावली बार बार यहाँ पर प्रयुक्त होंगे, अधिशोष्य और अधिशोषक। इसी प्रकार से पहले उदाहरण में लेते हैं चारकोल, यहाँ पर मुख्यतः क्या कहलाएगा, ये अधिशोषक है, अधिशोषक। जिस पर आकर के एक पदार्थ अस्थायी रूप से जुड़ते हैं जिसके ऊपर पर, यही क्या कहलाता है, अधिशोषक। और यहाँ पर जो अमोनिया है, उदाहरण के तौर पर हम अमोनिया को लिए हैं, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अधिशोष्य। इसको अपन प्रचलित शब्द में एक समझने के लिए है, सामान्य शब्द में कहते हैं चिपकने वाला और चिपकाने वाला।
ऐसा हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पर इसका शब्दों का हम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अपने समझने के लिए हम इस प्रकार समझ रहे हैं, जो पदार्थ आकर के स्थल से जुड़ रहा है, जिसको हम सामान्यतः अपने सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं कि आकर के चिपक गया है वो। तो ये जो चिपक गया ऊपर में, इसको अपन अस्थायी से जुड़ना कह रहे हैं, ऐसा ही हमको शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन अपने समझने के लिए है। तो ये जो अस्थायी से जुड़े हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं अधिशोष से, और जिस पर आके जुड़े हैं वह क्या है, यहाँ पर अधिशोषक है, जैसे कि यहाँ पर चारकोल है, और अधिशोष के रूप में पहला उदाहरण क्या है इसमें अमोनिया है। अब आगे चलें, इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के आधार पर ही एक घटना क्या होती है, इसमें अधिशोषण आते हैं शब्द। उसी प्रकार से एक शब्द यहाँ पर और इस्तेमाल होते हैं, अवशोषण, इस पर भी हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अधिशोषण के बाद यहाँ पर एक शब्द है इसमें अवशोषण, इसी से एक मिलता जुलता शब्द है। अधिशोषण के जगह में हम यहाँ पर लिख रहे हैं अवशोषण, इसे अंग्रेजी में हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए डी और बी का केवल फर्क है, अंग्रेजी में जहां पर डी लिखे थे ए डी, उसके जगह में क्या लिख रहे हैं अपन, ए बी लिख रहे हैं। तो ये शब्द चेंज हो गया यहाँ पर अवशोषण, हालांकि ये 17 रसायन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उसी के मिलता जो शब्द है, इसमें कुछ अंतर भी है अधिशोषण और अवशोषण में। तो पहले उसके पहले हम समझ लेते हैं अवशोषण क्या है इसमें। आइए कुछ उदाहरण हम समझने का इसके प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इसे हम यदि जल के संपर्क में लाते हैं या जल वाष्प के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, ये जो जल वाष्प हैं पूरे अंदर तक पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में खास अंतर हम देख रहे हैं, अभी तक अधिशोषण में केवल ऊपर में आकर के ही जुड़ रहे थे अस्थायी रूप से, यहाँ पर जो पदार्थ एक दूसरे को संपर्क में ला रहे हैं, तो यहाँ पर केवल बाहर में नहीं बल्कि वो सीधे अंदर भाग तक पहुँच जा रहे हैं। तो ये जो घटना है वो क्या कहलाते हैं इसमें, अवशोषण कहलाता है। इसमें पूरे पदार्थ के पूरे अंदर तक समा जाते हैं, वो भी समान रूप से फैल जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह में आकर जमा नहीं हो, ऐसा नहीं है, ये पूरे हर एक भाग पर यह पूरे फैल जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो हम इस घटना को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। चित्र के माध्यम से स्पष्ट यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, पहला जो उदाहरण था अधिशोषण, उसमें केवल ये जो पदार्थ थे ऊपर में चिपक गए थे, बाहर में चिपक गए माने जुड़ गए थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट है, विपरीत प्रक्रिया हो रही है कि यहाँ से पूरे के पूरे पदार्थ अंदर तक पूरे समा गए और पूरे अंदर में फैल गए। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये है जल वाष्प, तो यहाँ पर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और जल वाष्प के बीच में जो घटना हो रही है वह अधिशोषण नहीं है, यह अवशोषण शब्द से जाने जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर अधिशोषण और अवशोषण दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होते हैं, इनको समझने के पहले आइए हम छोटा सा एक और इसमें अधिशोषण संबंधित एक टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें भेद करेंगे कि किस प्रकार से इसमें दोनों में भेद हो सकते हैं। ऐसे और अन्य प्रकार के भी उदाहरण हैं, मैं अभी केवल एक ही उदाहरण को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे तो हम कई प्रकार के उदाहरणों से आगे रूबरू होंगे इसमें। अधिशोषण के प्रकार पहले हम समझ लेते हैं, अधिशोषण के प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा है यहां पर ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण।
अंग्रेजी में से कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और ऋणात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो क्या है इसको अपन समझने का इसमें प्रयास करेंगे। तो धनात्मक अधिशोषण से सीधा संबंध है। देखिए एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें, ये माल इस प्रकार से अधिशोषक है क्योंकि यहाँ पर बार बार अधिशोषण है तो दो ही चीज होंगे, दो ही पदार्थ आएंगे, एक अधिशोष से दूसरा क्या है अधिशोषक है। तो अभी फिलहाल ये अधिशोषक है, यहाँ पर आकर के कोई पदार्थ इस प्रकार से अस्थायी रूप से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से एक फर्क नजर आ रहे हैं इसमें, एक निश्चित भाग पर वहां पर सांद्रण का मान या दोनों, देखिए अंदर के भाग यहाँ पर हालांकि हमको अंदर का भाग दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, ये मान लो डस्टर है तो ऊपर में मान उसका या जो पदार्थ है उनकी सांद्रता ज्यादा है और अंदर में इसी के अंदर में देखेंगे मान लो चाक है यहाँ पर चिपक रहा है समझने के लिए, तो अंदर भाग में हम इसको यदि तोड़ के देखते हैं तो हमको चाक की संख्या बहुत ही कम मिलेगी, नहीं के बराबर मिलेगी। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो एक जो अधिशोषण की घटना हो रही है वो किस प्रकार से हो सकते है इसमें, कि इसमें सांद्रता का मान क्या हो रहा है इसमें बढ़ रहा है इसमें, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें इसमें, सांद्र केसीएल, देखिए यहां पर एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं इसमें सांद्र केसीएल पोटेशियम क्लोराइड विलयन, इसको यहां पर चार रक्त चारकोल के संपर्क में लाया गया, रक्त चारकोल के संपर्क में लाया गया और इसको हिलाया गया, तो देखा गया इसमें कि यहां पर जो अधिशोष्य है पदार्थ जैसे यहां पर KCl विलयन, तो उसमें जो पोटेशियम क्लोराइड है यह उसकी सांद्रता जो है अन्य भागों से क्या हो रही है अधिक हो रही है इसमें, खास करके अंदर और भागों से, तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहते हैं हम धनात्मक अधिशोषण के नाम से जानते हैं। ठीक इसका विपरीत देखें अपन तो ये हो गया यहाँ पर ऋणात्मक अधिशोषण में, इसी का उदाहरण ले रहे हैं इसमें तनु पोटेशियम क्लोराइड विलयन डाइल्यूट पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसको यदि इस प्रकार से चारकोल के सेम इसी प्रकार से रक्त चारकोल है इसके संपर्क में लाया गया, तो रक्त चारकोल यहां पर ये अधिशोषक है और जो KCl है वह अधिशोष्य के रूप में उपयोग हो रहे हैं, या इसका यहाँ पर टर्म देखेंगे तो अधिशोषण में दो ही होते हैं अधिशोषक और अधिशोष्य, तो तनु KCl विलयन को देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से संपर्क में लाएंगे तो कुछ भागों पर देखेंगे कि इसका शेष भागों की तुलना में इसकी सांद्रता का मान कम हो जाते हैं, इसे हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। इसको जरा इसमें नोट कर लीजिए। आइए हम अब अधिशोषण और अवशोषण के बारे में हम तुलनात्मक दृष्टि से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक साइड में लिखें अधिशोषण और एक साइड में लिखते हैं अवशोषण। और इनके तुलनात्मक जो अंतर हैं इस पर हम इसको समझेंगे। तो मुख्यतः देखें पहला मुख्य जो अंतर है इसमें, अधिशोषण यह एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण एक पृष्ठीय घटना न होकर के एक पदार्थ के अंदर में पूरे समा जाते हैं, अतः पृष्ठीय घटना नहीं है। यदि सरल शब्दों में कहें तो यह पृष्ठीय घटना नहीं है, पृष्ठीय घटना नहीं है। इसमें जो पदार्थ हम चित्र के द्वारा यहां पर समझें, इसमें कोई पदार्थ है दूसरे पदार्थ में आकर के अस्थायी रूप से यहां पर जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से शब्दों में यहां पर इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर केवल चित्र के माध्यम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई पदार्थ है जिसको हम लोग अभी समझ चुके हैं अधिशोषक कहते हैं, इसमें एक पदार्थ है जिसे हम अधिशोष्य कहते हैं, अस्थायी रूप से आकर के जुड़ जाते हैं, जबकि
जो अवशोषण होते हैं, इसमें एक पदार्थ है उसमें दूसरा पदार्थ आकर के समान रूप से क्या हो जाते हैं यहाँ पर वितरित हो जाते हैं इसमें, इसे हम बक कहते हैं, शेष भाग। जो शेष भाग होते हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से आकर के दूसरा पदार्थ उसमें शेष भाग में समा जाते हैं, माने अब यहाँ पर कोई जगह नहीं बचेगा, अर्थात पदार्थ के अंदर तक एक पदार्थ पहुँच जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। चलिए तीसरा यहाँ पर एक मुख्य रूप से अंतर देखें इसमें, अधिशोषण की घटना जो है प्रारंभ में तीव्र होती है, प्रारंभ में तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे होता है या मंद हो जाता है, बाद में धीरे धीरे संपादित होते हैं। जबकि यहां पर अवशोषण की घटना देखेंगे, प्रारंभ से अंत तक उसके गति में कोई अंतर नहीं आते, माने प्रारंभ में जितना गति से अवशोषण हो रहा है अंत तक उतने ही गति से अवशोषण होंगे इसमें। तो यहां पर प्रारंभ से अंत तक वेग में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, यानी जितने गति से अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है अंत तक उसी गति से चलती रहती है। जबकि यहां पर हम देख रहे हैं अधिशोषण में प्रारंभ में अधिशोषण की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीरे 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 उसकी गति क्या होती है या वेग यहां पर धीरे धीरे मंद पड़ जाती, स्लो हो जाता है। इसी को हम चौथा एक टॉपिक लेते हैं, इसी के यहां पर मिटा रहा हूं उसको मैं, चौथा मुख्य यहां पर एक अंतर यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि अधिशोषण की मात्रा, यहां पर ये खास एक्स बटा एम, इसको एक साथ हम कहेंगे अधिशोषण की मात्रा, और इसको एक्स एक वाई अक्ष में ले जाएं और एक्स अक्ष में ले जाते हैं दाब को, यदि गैसीय अभिकारक है तो दाब को लेंगे, और कोई द्रव है उसके लिए सांद्रता होती है विलयन अवस्था में, तो उसके लिए यहाँ पर हम C का प्रयोग कर रहे हैं, C यानी कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता के लिए है, और P यानी प्रेशर वो भी दाब के लिए, वो गैसीय अधिशोषण के लिए, और तापमान स्थिर है, स्थिर ताप पर दाब को लें एक्स अक्ष में, और अधिशोषण की मात्रा जिसे हम एक्स बटाइम कहते हैं इसको हम वाई अक्ष मिलता है, ग्राफ खींचेंगे तो एक विशेष प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं जिसको हम इस प्रकार से समझ रहे हैं। तो इसको यदि शब्दों में कहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक विशिष्ट वक्र प्राप्त होती है, इसको कोई अलग से कोई शब्द नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं, विशिष्ट वक्र प्राप्त हो रहा है। जबकि अवशोषण में ठीक इसी प्रकार से देखें, अवशोषण की मात्रा इसके लिए यहाँ पर x बटा m का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर अधिशोषण में केवल अधिशोषण की मात्रा कहा जाएगा, और जब अवशोषण की घटना हो रही है तो यहाँ पर यही x बटा m को हम क्या कहेंगे, अवशोषण की मात्रा कहेंगे। तो अवशोषण की मात्रा को लें y अक्ष में, और ठीक उसी प्रकार से स्थिर ताप पर दाब या सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ये बढ़ रहा है इधर x अक्ष की ओर, आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका P का मान बढ़ते जाएगा या C का मान भी बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से इस Y अक्ष में चलेंगे तो X बटा M अर्थात अवशोषण की मात्रा, इसका मान यहाँ पर, इसको यहाँ पर शब्दों में अवशोषण की मात्रा लिखना है, अवशोषण की मात्रा, इसको अधिशोषण नहीं कहना है, इसमें x बटा m तो इसमें भी x बटा m है, लेकिन शब्दावली चेंज होंगे, इसमें अवशोषण की घटना, इसलिए अवशोषण की मात्रा कहा जाए। तो इसमें क्या होते हैं, इनके मध्य में ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, जिसको इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा यदि P या C को x बटा m के साथ ग्राफ खींचें, जबकि अधिशोषण घटना में x बटा m अर्थात अधिशोषण की मात्रा को P या C के मध्य में ग्राफ खींचते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का वक्र मिलता है, अर्थात सरल रेखा नहीं है।
तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ अंतर होंगे। एक और मुख्य अंतर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, पांचवा अंतर, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। अब इसी में पांचवा एक सरल अंतर हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम समझ रहे हैं अधिशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक से एक साथ जुड़ चुके हैं अस्थायी रूप से, तो उसको अब अलग करना है। तो इसको यहाँ पर सरल शब्दों में यहाँ पर लिखा जा रहा है, इसमें अधिशोष्य को, अधिशोष्य यानी जो ऊपर में चिपका था अभी चित्र के माध्यम समझा रहे थे, इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करें। ये देखिए ऊपर में हम जो यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है, अधिशोष्य है। तो इस अधिशोष्य को अधिशोषक से, अधिशोषक जैसे कि यहाँ पर चित्र में हम समझ रहे हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं, ये चित्र के माध्यम समझा रहे हैं ये अधिशोषक है, तो इसे अलग करना आसान है। अधिशोषक से पृथक करना या अलग करना आसान होता है। और इसको अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यहाँ पर दूसरे शब्दों में एक नाम अलग से देते हैं, विशोषण कहते हैं इसे, विशोषण। यदि हम विशोषण शब्द प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको अलग से शब्दों की यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अर्थात विशोषण इसका आसान है, अर्थात अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना आसान होता है। जबकि यहाँ पर देखें जो अवशोष, जो अधिशोष सॉरी अवशोषित हुए पदार्थ हैं इनको एक दूसरे से अलग करना कठिन काम है। इसको यहाँ पर अवशोषित देखिए अब शब्द चेंज हो जाएंगे, जो अधिशोष से कहे थे अधिशोषण घटना में, यही अवशोषण की घटना में पदार्थ क्या हो गया, अवशोषित पदार्थ कहलाएगा, अवशोषित पदार्थ को अवशोष, जैसे यहां पर अधिशोषक शब्द था ऐसे ही यहां पर क्या होगा, अवशोषक, अधिशोषक की जगह में यहां पर अवशोषक, अवशोषक पदार्थ से पृथक करना या पृथक करने के लिए विशेष विधि की आवश्यकता होती है, विशेष विधि। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर देखें, वाष्पन, क्रिस्टलन आदि कुछ प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रिया के द्वारा हम एक दूसरे को अवशोषित पदार्थों को अवशोषक से हम अलग अलग कर सकते हैं, ये कुछ विशेष विधियां हैं। जबकि इसमें सामान्य रूप से हम इसको ऐसे अपन और समझने का प्रयास करें तो इसको हम कम दाब पर या अधिक ताप पर हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फिर एक बार और समझ लें, यदि हमको अधिशोषक को सॉरी अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना होगा तो मुख्यतः क्या होते हैं, इसके लिए इसी पॉइंट में लिख रहा हूं मैं, कम दाब, दाब को कम कर दें और खास करके गैसीय अधिशोष्य के लागू होगा, और ताप को बढ़ा दें अर्थात अधिक ताप कर दें। तो ये दो कंडीशन होते हैं जिसमें हम अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग अलग कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम विशोषण कहते हैं। अब इस प्रकार से ये हो गया अधिशोषण और अवशोषण में मुख्य रूप से सामान्य जो अंतर पाए जाते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। आगे चलेंगे, यहाँ पर एक घटना और होगा इसमें जिसे हम शोषण शब्द से जानते हैं। एक आइए हम एक शब्द यहाँ पर इस शब्द से हम परिचित हों, शोषण शब्द, जिसे यहाँ पर अंग्रेजी में सार्पशन कहते हैं। शोषण में क्या होगा, दोनों घटना अर्थात अधिशोषण और अवशोषण
दोनों साथ साथ होते हैं। मैं यहाँ पर प्लस लिख दूँ समझने के लिए, यानी दो घटनाएं, अधिशोषण की घटना भी हो रही है और अवशोषण की घटना भी साथ साथ चल रही है। तो ये दो घटना जब एक साथ होते रहेंगे तो उस घटना को हम एक साथ इसका नाम देते हैं, इसमें शोषण शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ये मान लीजिए यहाँ पर एक अधिशोषक है और यहाँ पर अधिशोष्य हैं, किस प्रकार से चिपक जाएंगे आकर के, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जाएंगे। हमारे समझने के लिए यहाँ पर चिपकने शब्द का प्रयोग, ये होगी यहाँ पर अधिशोष्य। अब यहाँ ये तो घटना हो रही है अधिशोषण, साथ साथ इसमें अवशोषण की भी घटना हो रही है, अर्थात ये जो पदार्थ हैं पूरे अंदर तक भी पहुँच जा रहे हैं इसमें। तो चित्र से स्पष्ट है अधिशोषण की घटना भी हो रही है और अवशोषण की घटना भी हो रही है, इसीलिए हम इसको एक साथ क्या कहते हैं, इसे शोषण शब्द। ये जो शब्द है इसके लिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक है जिसे मैकबेन कहा गया है, मैकबेन, इन्होंने इस शब्द को प्रचलित किया है शोषण शब्द के लिए। मैकबेन नामक वैज्ञानिक ने शोषण शब्द को दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें अधिशोषण, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अधिशोषण की घटना भी होती है और अवशोषण की घटना भी होती है, तो एक साथ उन्होंने नाम क्या दिया उसको, शोषण शब्द। तो एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें, इसी उदाहरण को लेकर के यहाँ पर चारकोल को ले आए, चारकोल, और यहां पर हाइड्रोजन गैस। देखिए यहां पर गैस के लिए मैं संकेत के लिए जी लिख दिया हूं। चारकोल पर हाइड्रोजन गैस का प्रारंभ में होता है अधिशोषण, बाद में धीरे 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 ये हाइड्रोजन गैस फिर से अंदर तक भी पहुंच जाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस का चारकोल में अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहे हैं। तो हमको इसे हम एक साथ किस नाम से जानते हैं, शोषण शब्द से परिचित होते हैं। आइए इसी प्रकार से एक मिलता जुलता शब्द और है, इसमें अधिधारण, अधिधारण, और अंग्रेजी में इसको ऑक्लूजन कहते हैं, OCCLUSION, ये एल है इस्तेमाल, ये शब्द इसके लिए। तो अधिधारण क्या है, जब किसी धातु में, यहाँ पर देखिए यदि ठोस था चारकोल, ठीक है ये भी ठोस है, लेकिन यहाँ पर इसके जगह में धातु ले आए, तो धातु पर इसको संक्षिप्त में लिखा जा रहा है, ये धातु है और इस पर कोई गैस अधिशोषित हो रहे हैं, ये गैस है, तब ये जो घटना हो रहा है अधिशोषण तो हो रहा है, लेकिन इससे अलग से एक शब्द दिया गया, उसके लिए क्या कहा गया है, अधिधारण। गैस ही होगा अधिशोष्य, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार पुनः, गैस यहाँ पर अधिशोष्य होगा और धातु क्या होंगे, यहाँ पर अधिशोषक हैं। तब की स्थिति में जो अधिशोषण की घटना हो रही है इसे अधिधारण के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के लेते हैं हम यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं प्लेटिनम PT, और यहां पर गैस के रूप में लिया जा रहा है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है। तो प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण हो रहा है उस अधिशोषण को ही अलग से यहां पर शब्द क्या कहा गया है, इसमें अधिधारण शब्द कहा गया है। तो पुनः एक बार समझ लीजिए, अधिशोषक यदि धातु हो और अधिशोष से यदि गैस हो, जैसे कि यहाँ पर प्लेटिनम धातु है और हाइड्रोजन गैस है, तब यहाँ पर जो अधिशोषण की घटना हो रही है इसे अधिशोषण न कहते हुए इसके लिए शब्द क्या बताया गया, यहाँ पर अधिधारण शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ये हो गया यहाँ पर कुछ विशेष शब्दावली, शोषण, अधिशोषण, उसी प्रकार से विशोषण के बारे में भी हम लोग अधिशोषण और अवशोषण में जब अंतर स्पष्ट कर रहे थे तब वहाँ पर एक शब्दावली आया विशोषण। तो विशोषण में क्या था, अलग अलग कर देना है, अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग हटा देना, इसी प्रक्रिया को हम विशोषण कहते हैं। तो पुनः हम इसको एक बार सरसरी नज़र से देखते हैं कि इसमें अधिशोषण क्या होते हैं, अवशोषण क्या होते हैं और शोषण शब्द, इन तीनों में क्या अंतर है या क्या समानता है, इसके बारे में हम चित्र के माध्यम से केवल
इस कभी तक हम जो अध्ययन किए उसके सार में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कि पहला चित्र यहां पर, ये अधिशोषक है और ऊपर में हम जो लिख रहे हैं छोटे छोटे गोला के रूप में, ये अधिशोष्य हैं। तो ये जो घटना है ये अधिशोषण को बता रहा है, अर्थात पृष्ठ पर हो रहा है घटना, अंदर तक के जो पदार्थ हैं पहुंच नहीं रहे इसमें, इसलिए घटना और होंगे तो इस पदार्थ से बाहर में रह जाएगा ये, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा देखें अवशोषण, तो अवशोषण में क्या होंगे, अंदर तक पहुंच रहे हैं, बाहर में जो है वो तो है ही है इस प्रकार से, लेकिन बाहर में नहीं चिपके हैं, पूरे बाहर में है। और यहाँ पर मुख्य बात है इसमें अंदर तक के पदार्थ एक दूसरे से पहुंचे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर एक घटना चित्र के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे तो ये अवशोषण कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। और एक घटना होगी जिसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं, अधिशोषण भी हो रहा है, ये ऊपर वाला चित्र हम जो दर्शा रहे हैं छोटे छोटे गोला ऊपर में चिपका रहे हैं ये अधिशोषण है, और अंदर तक भी यहाँ पर बता रहे हैं समान रूप से फैला हुआ है, तो ये दोनों एक साथ चल रहा है, बाकी जो बाहर में हो तो है ही है, तो एक साथ क्या कहलाएगा यहां पर, शोषण शब्द प्रयोग किए जाएंगे इसमें। तो तीन घटना एक साथ यहां पर चित्र के द्वारा समझने हम समझाने का इसको प्रयास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला चित्र है अधिशोषण का, जिसमें एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ से चिपका हुआ या अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अधिशोषण हो गया। अवशोषण में एक पदार्थ के अंदर तक दूसरा पदार्थ समा गया है, यह अवशोषण है। और एक घटना हम देख रहे हैं तीसरा, कि एक पदार्थ में दो अलग अलग दो पदार्थ हैं, एक ऊपर में चिपका हुआ नजर आ रहा है और एक अंदर में समाया हुआ नजर आ रहा है, अर्थात ये अधिशोषण ऊपर में चिपका हुआ और अंदर तक समाया हुआ ये अवशोषण है। तो ये दोनों एक साथ क्या कहलाएंगे यहाँ पर, शोषण शब्द, जिसके लिए मैकबेन नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को बताया है। और उदाहरण यहाँ पर अलग अलग प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि उसमें दोनों प्रकार के घटना एक साथ चल रहा है। अब आगे चलें, अधिशोषण की जो ऊष्मा गति की होती है उस पर संक्षिप्त नजर डालें। अधिशोषण की ऊष्मा गति की, तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसको केवल पॉइंट नोट कर लीजिए, ऊष्मा क्षेपी है अर्थात ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा जिसे हम जी के द्वारा व्यक्त करते हैं, गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं, तो मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। और साथ साथ जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ जाते हैं अर्थात विस्फोट घटना होती है, तब की स्थिति में एंट्रापी में कमी आती है। ये तीन प्रकार के यहाँ पर हमको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ऊष्मा क्षेपी होता है, मुक्त ऊर्जा जिसे जीव के द्वारा व्यक्त करते हैं उसमें कमी होती है, और एंट्रापी में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, और इसमें जितना ऊष्मा निकलती है उसको यहाँ पर अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं, एक शब्द है अधिशोषण की ऊष्मा। तो अधिशोषण की ऊष्मा क्या है, अधिशोषण की घटना में जो ऊष्मा निकलती है वही यहाँ पर अधिशोषण की ऊष्मा कहलाती है। और एंथैल्पी में होने वाला जो परिवर्तन है, इसके शब्द है इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी, एक ही शब्द है इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी। और एंथैल्पी के लिए हम यहाँ पर डेल एच का प्रयोग करते हैं, अर्थात डेल एच का मान यहाँ पर होगा ऋणात्मक, इसको नेगेटिव यहां पर संक्षिप्त में समझ लेंगे, ये हो गया यहां पर संक्षिप्त में। अधिशोषण में क्या है एक बार पुनः देख लें, यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, मुक्त ऊर्जा में कमी होती है और एंट्रापी में कमी हो जाती है, अर्थात धीरे धीरे अव्यवस्था में कमी होती है।
और इसमें एक शब्द आते हैं अधिशोषण की उष्मा। तो क्या है इसमें, इस अधिशोषण की घटना में जो उष्मा निकल रही है, क्योंकि हम इसमें समझ चुके हैं उष्मा छिपी है अर्थात उष्मा मुक्त होती है, अतः उसमें जो भी उष्मा निकलती है उसे हम अधिशोषण की उष्मा कहते हैं। और खास करके एक अणु अधिशोष्य है, एक अणु अधिशोष्य जुड़ता है जाकर के अधिशोषक से, अधिशोषक ये शब्द यहाँ पर एक ही साथ लिख लेंगे। तो इसको यहाँ पर जितना उष्मा निकलता है इसे हम अधिशोषण की उष्मा कहते हैं। आगे हम दूसरे कालखंड में अलग टॉपिक लेकर के पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।